मटन बोटी कबाब, गलौटी कबाब, शवरमा। हेलो गाइज, वेलकम टू फूड देखो फूड विद देव शर्मा। आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी मैसेज शेयर करना चाहता था। ये एक मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबको, जितने भी ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त, मेरे फूडीज़ वीडियोस देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मेरी वीडियोस, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। गाइज प्लीज़, मैं मेरे हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप मेरी वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप तक बेटर से बेटर वीडियोज़ पहुँचाने में, बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है आपके प्यार से। आपका प्यार तभी समझ में आता है गाइज जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स में अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। वो उन्हें पढ़ के बहुत मज़ा आता है और बहुत बहुत दिल को अच्छा लगता है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ही नहीं गाइज, हर एक यूट्यूबर, हर एक क्रिएटर चाहता है कि वो आपसे आप तक बेटर से बेटर कंटेंट पहुंचाए। और आप मेरी नहीं, किसी की भी अगर चैनल की वीडियोस देख रहे हो, उसको एंजॉय कर रहे हो, उसको लाइक करते हो, तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि उन्हें पता चले कि आपको वो वीडियो पसंद आई। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि उनका चैनल ग्रो हो, मेरा चैनल ग्रो हो, सबका चैनल ग्रो हो और हर एक क्रिएटर, हर एक यूट्यूबर आप तक बेटर से बेटर कंटेंट, बेटर से बेटर वीडियोस पहुंचाए। और अगर आपको कोई वीडियोस ना पसंद आए या फिर आपको कोई कंटेंट ना पसंद आए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर करें कि आपको क्यों वो वीडियो पसंद नहीं आई या फिर आप क्या देखना चाहते हैं उनके चैनल पे, उनकी वीडियो पे। जैसे मेरे चैनल पे अगर आपको मेरी वीडियो नहीं अच्छी लग रही, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें कि आपको क्या देखना पसंद है, मैं आपके लिए और क्या कंटेंट ला सकता हूँ जो आप देख के आपको अच्छा लगेगा या आप इन्जॉय करोगे। सो दैट्स इट गाइज, ये मेरी रिक्वेस्ट थी कि क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा था 60% 60% लोग ऐसे हैं जो, जितने मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे दोस्त हैं, वीडियोस आप देखते हो, आई होप आप लाइक कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो गाइज। तो मेरी प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और इंकरेजमेंट मिलती है अगर आप सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। जब मेरी नहीं, चाहे किसी भी यूट्यूबर का कंटेंट आप देख रहे हो, उसके वीडियोस एंजॉय कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो प्लीज़ एक्सटेंड योर लाइक, प्लीज़ शेयर द वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। लव यू ऑल एंड चलो चलते हैं कुछ खाने रोज़ की तरह। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आए हैं गौर सिटी 2 लखनऊ वाले स्पेशल गलौटी कबाब खाने। ये ऑथेंटिक लखनऊ वाला टेस्ट है। जैसे आप देख सकते हैं इनका फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन है 8445137736। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है गलौटी कबाब। और साथ में भैया ये क्या बन रहा है? ये मटन बोटी है, मटन बोटी कबाब। ये जो बन रहा है, दिस इज़ मटन बोटी कबाब एंड दिस इज़ आवर गलौटी कबाब। सो हम आज ये दोनों कबाब कवर करेंगे। लेट्स सी हाउ दे मेक इट। तो ये भैया क्या क्वांटिटी है ये एग्जैक्टली? ये हाफ प्लेट है। तो जैसा आप देख सकते हैं, दिस इज मटन बोटी कबाब। कबाब्स आप जानते हैं लखनऊ का काफ़ी फेमस डेलिकेसी है, काफ़ी फेमस क्विजीन है। और कबाब्स आर लाइक वन ऑफ दी डिशेस जो पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सो देख सकते हैं आप हाउ इट लुक्स, मटन बोटी कबाब विच इज़ गेटिंग प्रिपेयर्ड। दिस इज़, इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द क्वान्टिटी, सो दिस इज़ हाफ प्लेट। और भैया हाफ प्लेट का क्या प्राइस पड़ता है? 180। सो 180 रुपीज़ फॉर हाफ प्लेट। दैट्स दी क्वान्टिटी विच यू आर गोइंग टू गेट। हाफ प्लेट में इतनी क्वांटिटी आएगी 180 रुपीज़ में। सो विच आई थिंक इज़ वेरी डिसेंट एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। एंड इट लुक्स रियली डिलीशियस। अगर आप इनका मटन भी देखें तो मटन आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं तो इट लुक्स वेरी टेंडर एंड जूसी। सो दे एक्चुअली यूज़ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ मटन। जो नॉनवेज खाने के शौकीन हैं उनको आइडिया होगा कि मटन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। सो आप देख सकते हैं मटन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो भैया जैसे ये बन रहा है ये अभी मीडियम हीट में बनता है कि स्लो हीट में बनता है? मीडियम हीट में बनता है। देख सकते हैं जब तक ये बन रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे साथ में ये शवरमा भी है इनके पास। तो यहाँ पे जैसे शवरमा भी दे मेक। दिस इज हाउ इट गेट्स मेड। दिस इज चिकन शवरमा। सो दिस इज हाउ चिकन शवरमा इज मेड। ये हमारा मटन बोटी कबाब इज रेडी। दिस इज हाउ इट इज़ गेटिंग प्लेटेड। ये प्लेट हो चुका है मटन बोटी कबाब। इसके ऊपर डाला गया है धनिया और इट इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। अब हमारा जो नेक्स्ट डिश होने वाला है वो है गलौटी कबाब। अगेन लखनऊस फेमस गलौटी कबाब। आप सबको पता होगा लखनऊ का सबसे फेमस, वन ऑफ दी फेमस डिशेस है। लखनऊ में तो आप जानते ही हैं खाना इज़ लाइक अमेजिंग। मुझे लखनऊ का खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, स्पेशली कबाब्स। अब ऑब्वियसली लखनऊ तो जाके मैं अभी कबाब खा नहीं पाऊँगा, तो इसलिए यही वाला गलौटी कबाब ट्राई करते हैं हम। दिस इज़ हाउ दे कीप दी मिक्सचर ऑफ कबाब। फिर उसको यहाँ पे पकाया जाता है एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक इन दी एंड। सो भैया ये जो गलौटी कबाब है ये चिकन से मटन, ये भी मटन है, ओके। सो गलौटी कबाब भी मटन से बनाया जाता है, मटन के मीट से। सो भैया से हमने रिक्वेस्ट करी थी तो वो फ्रेश हमारे लिए गलौटी कबाब अभी तैयार करवा रहे हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज़ गेटिंग हीटेड। ये गर्म हो रहा है अभी। अगेन मीडियम हीट में ये गर्म होगा ताकि इसकी सॉफ्टनेस बरकरार रहे और कहीं से भी ये ओवर कुक या ओवर बर्न ना हो। जैसे कि सब नॉनवेज खाने के शौकीन सब जानते हैं कि कोई भी मीट या फिर नॉनवेज आइटम अगर आप ओवर कुक कर लिया हो, ज़्यादा कुछ कुक हो जाए तो वो खाने में इतना अच्छा नहीं लगता। जब तक ये गलौटी कबाब तैयार हो रहा है एक बार आप फिर से नोट कर सकते हैं, ये है लखनऊ वाले स्पेशल गलौटी कबाब सेंटर। मोबाइल नंबर 8445137736। ये इनका मेन्यू है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ हाउ द मेन्यू लुक्स। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस भी मेंशन्ड है। इनके सारे जो ब्रांचेज़ हैं वो सारे मेंशन्ड है। आप कहीं पे भी अगर आप कहीं पे भी आसपास वाले ब्रांच में हैं तो वहाँ पे आप विज़िट करके एंजॉय कर सकते हैं कबाब। ये है इनका मेन्यू, काफ़ी एक्सटेंसिव और काफ़ी वास्ट मेन्यू है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं इनके पास, तो आपको आपके चॉइस के हिसाब से आप जो खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। मैं इनके मेन्यू की पिक्चर वीडियो के एंड में डाल दूँगा तो कि आप पॉज करके वीडियो मेन्यू को रेफ़र भी कर सकते हैं। साथ में अभी रेडी हो रहा है यहाँ पे पराठा, विच इज़ नोन एज मुगलई पराठा। ये लग गया आपका मुगलाई पराठा। जब तक ये मुगलाई पराठा रेडी हो रहा है हम देख लेते हैं गलौटी कबाब। आप देख सकते हैं एक साइड गलौटी कबाब का प्रिपेयर हो चुका है, ये कुक हो चुका है। द अदर साइड इज़ गेटिंग कुक्ड। लेट्स गो बैक टू पराठा। सो दिस इज़ हाउ पराठा इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड। तो इसे प्रेस क्यों करते हैं भैया? शेप के लिए? जी जी सर। तो आप देख सकते हैं शेप मेंटेन करने के लिए इसे ऐसे प्रेस किया जाता है ताकि इसकी जो गोलाई है वो अच्छे से उभर के आए। अगेन ये मैदे से बनाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होता है, स्पेशली कबाब्स के साथ खाने के लिए। मुगलई पराठा या फिर नान या फिर रुमाली रोटी, इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। कोई भी अगर लखनऊ वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कौन सी डिशेस आपकी फेवरेट है लखनऊ से। दिस इज़ आवर मुगलई पराठा विच इज़ प्रिपेयर्ड एंड इट इज़ सर्व्ड। थोड़ा सा टाइम लगता है आपको, अगर आप कहीं पे भी किसी भी ब्रांच पे विज़िट कर रहे हैं तो यू हैव टू गिव देम सम टाइम। थोड़ा आपको उनको टाइम देना पड़ेगा बिकॉज इसे बनने में थोड़ा 15 से 20 मिनट लगता है। सो जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं अपना कोई भी फूड आइटम आप ऑर्डर करते हैं फ्रॉम द मेन्यू, इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स। अप्रॉक्सीमेटली आपको इतना लगेगा ही लगेगा आपका डिश रेडी होने में। सो हैव पेशेंस, बट टुवर्ड्स द एंड of your patience you're going to enjoy delicious galauti kebab, mutton boti kebab and mughlai paratha। अब ये जो आवाज़ आ रही है वो साइड में भैया शवरमा रेडी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इट लुक्स रियली सॉफ्ट एंड डिलीशियस। दिस इज़ अगेन द मिक्सचर ऑफ मटन बोटी कबाब जो अभी नेक्स्ट ऑर्डर पे प्रिपेयर होगा। सो आप देख सकते हैं गलौटी कबाब अभी भी यहाँ पे कुक हो रहा है। और मीनवाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें अभी शवरमा में भैया ने काफ़ी मसाले और हरी चटनी ऐड करी है। तो भैया आपने अभी इसमें क्या क्या डाला है? इसमें गरम मसाला डाला हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला हूँ। अच्छा, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरा मिर्च और हरी मिर्ची। ओके, हरी मिर्ची का पेस्ट। तो अभी इसे अच्छे से मिक्स किया जाएगा। हम देख सकते हैं हमारा गलौटी कबाब ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए दूसरा साइड भी बन चुका है। तो भैया अभी हमें प्लेट में निकाल के दे देंगे दो पीस। देखेंगे प्लेटिंग कैसे करते हैं। You can see the texture. This is how. ये हमारे दो पीस है, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से कुक हो चुका है। जब तक ये दूसरी साइड भी थोड़ा सा कुक हो रहा है, लेट्स अगेन गो बैक टू शवरमा। ओके सो इट इज़ रेडी नाउ। आप देख सकते हैं ये पहला पीस हमारा निकल चुका है। दिस इज़ आवर सेकंड पीस। लुक एट द टेक्सचर एंड द फिनिशिंग, बहुत डिलीशियस लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे और ऐसे ये सर्व होता है। ये ग्रीन चटनी है जी और अनियंस। दिस इज़ हाउ दिस इज़ सर्व्ड। ये हम बेल रहे हैं भैया अभी मुगलई पराठा। देख सकते हैं एक मुगलई पराठा लग चुका है, दूसरा वाला यहाँ बेला जा रहा है। इसके ऊपर लगाया गया ऑयल। This is almost ready. That's your Mughlai Paratha number 1. This is Mughlai Paratha number 2. and this is also ready. So as the Mughlai parathas are ready, this is going to be served with Galawati Kabab, as you can see. So that's the combination, and this is shawarma. ये shawarma का mix almost ready हो चुका है. This is how it looks. So shawarma's mixture is ready, as you can see. अब ये इसका रोल बनेगा. हरी चटनी और थोड़ा सा मेयोनीज. देख सकते हैं इसकी रोटी है, ये भी मैदे की रोटी होती है. इस पे डाला भी मेयोनीज. और ये गया शवरमा का मिक्सचर. अब इसे प्लेट किया जाएगा. दिस इज आवर प्लेट एंड इट विल बी सर्व्ड विद मेयोनीज एंड ग्रीन चटनी. दैट इज गाइस, दिस इज आवर शवरमा. अब आप देख सकते हैं ये है तंदूरी चिकन जो अभी जा रहा है तंदूर में. दिस इज हाउ इट लुक्स. अभी हम देखते हैं इसको तंदूर में जाते हुए. लेट्स सी. So this is the तंदूर guys. I'm sorry, light यहाँ पे थोड़ा सा कम है, लेकिन आप देख सकते हैं ये पूरा तंदूर में जा चुका है. अब it will be prepared तंदूर के अंदर. So this was तंदूरी चिकन. एक बार ऐसे निकालें. So ये देख सकते हैं this is तंदूरी चिकन जो अभी इस तंदूर में जाके it will get prepared. So guys, ये आप देख सकते हैं हमारा तंदूरी चिकन जो था वो भी almost ready हो चुका है. अब इसको भी प्लेट किया जाएगा. सो लेट्स वॉच द प्लेटिंग. सो आप देख सकते हैं दिस इज़ हाउ द तंदूरी चिकन लुक्स. इसमें काफ़ी ज़्यादा नींबू, हरा धनिया ये और चाट मसाला डाला गया है. ऐसे लेके आप प्लेट में निकाल के यू कैन एंजॉय तंदूरी चिकन. एक और बात, यहाँ पे जो भी मीट यूज़ किया जाता है सारा हलाल मीट है. सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू कैन कंसिडर. मटन बोटी कबाब, गलौटी कबाब, शवरमा. सो दिस इज गलौटी कबाब, क्रिस्पी मुगलई पराठा एंड देन सम ग्रीन चटनी एंड अनियंस. आई एम श्योर इट लुक्स डिलीशियस. दैट वाज द वीडियो गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Please like the video if you enjoyed it and subscribe my channel Food Dekho Food with Dev Sharma for many upcoming videos. Thank you so much. Love you all. Take care. Stay safe. And I'll see you in the next video. Bye-bye.